spicy mystery. Ehsaan Dhokha. Ehsaan Kharaab. जिसे देख कर आपका लिख कर आपको बता दें, थाना न्यू आगरा के नगला पति सीधी हवेली में उस समय चीख पुकार मच गई जब किसान नाम योग के को दबंगों ने उसके घर पर आकर चाकू मार दिया। चाकू लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। योग ने अपनी जान बचाने के लिए चीख पुकार मचाई जिससे परिवारीजन व आसपास के लोग घरों से बाहर निकले। परिवारीजन व आसपास के लोगों को देख दबंगई करने वाले दबंग मौके से भाग निकले। सूचना पाकर घटनास्थल पर पुलिस फोर्स पहुंच गया। वहीं पीड़ित ने थाना न्यू आगरा में दोषियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित विकास जाधव सनाप रतन जाधव का कहना है कि विष्णु कुशवाहा पुत्र शिव प्रसाद कुशवाहा ने अपने दो भाइयों तथा अन्य साथियों के साथ आकर मेरे घर के पास मुझे अकेला देख लिया और मेरे साथ मारपीट करने लगे। उसके बाद विष्णु के साथियों ने मुझे पकड़ लिया और विष्णु ने मुझ पर चाकू से वार किया जिसमें मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित ने बताया कि यह घटना तकरीबन शाम 5:30 की है। पीड़ित ने न्यू थाना आगरा में दोषियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पुलिस ने दोषियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए दोषी विष्णु कुशवाहा पुत्र शिव प्रसाद कुशवाहा निवासी नगला पदी थाना न्यू आगरा को हिरासत में ले लिया है। थाना विष्णु के अन्य साथी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक दोषियों के खिलाफ शिकंजा कस पाएगी और दोषियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजने में कामयाब हो पाएगी। क्या नाम है आपका? विकास। कहाँ के निवासी हो? नगला पति। क्या मामला था सर? जी चक्कू मारने आया था। कितने लोग थे? 6-7 जने थे सर। क्या क्या नाम है? एक का नाम विष्णु है और एक का नाम किशोर है और 3-4 जने थे, उनका नाम नहीं पता। कितने लड़के हैं? पिता का नाम जानते हो? नहीं सर, पिता का नाम नहीं जानता। अच्छा, तो ये वारदात आपके साथ पहले हुई है? पहले भी कोई मामला ऐसा हुआ था? पहले भी हुआ था। जिसके तहत ये किया है, क्या है? पहले भी हुआ था सर। ये रात को घर पे ऊपर छत पे आ गए, हमला तब भी किया था इनने 6-7 जनों ने, तो तब भी हमने ऐसा ऐसी छोड़ दिया था। कोई बात नहीं है, नशे में। अच्छा, पहले पुलिस में शिकायत नहीं की? नहीं की थी। अभी पुलिस में शिकायत कर दी? कर दी। कहाँ का निवासी है ये? ये नगला पति का ही है। अभी क्या चाहते हैं आप? उसे बंद कराना चाहते हैं, जेल में डलवाना चाहते हैं। कहाँ का चोट आई है आपके? पूरे हाथ पे आई है, हाथ की उंगली कट गई है चारों पांचों और यहाँ पे भी चप्पू लगाए बाजू पे। हमें आपका? संजय सिंह जाधव। अच्छा, जिस पीड़ित को व्यक्ति को चाकू मारा गया है वो आपके कौन लगते हैं रिलेशन में? मेरा छोटा भाई लगता है। अच्छा, क्या मामला हुआ था, क्या मामला घटित हुआ जिसके देखते हुए चाकू मारा गया? मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था, एक्चुअली एकदम अचानक आया चप्पू मारता हुआ आया। सब लोगों में वो 4-5 लोग थे। अच्छा, क्या मामला था, किस मामले के दर्ज चाकू मारा गया? पहले कुछ टाइम पहले ये घर पे आया था, ये छत पे कूद के आया था, तब भी जान लेगा कुछ इसने हरकत की थी। कितने समय पहले की बात है ये? 1-2 महीने पहले की बात है। अच्छा, तो उस समय पहले पुलिस में कोई शिकायत की आपने? ऐसे ही छोड़ दिया गया, चलो कोई बात नहीं, नशे में बस्ती वालों ने छोड़वा दिया सर, कोई बात नहीं। अच्छा, कौन सा थाना लगता है आपका? न्यू आरा थाना। तो अब क्या घटना हुई है पूरी? अब ये एक्चुअली मैं कुर्सी पे बैठे हुए थे हम सब लोग, अचानक ही गाली वक्त हुआ, मां चोट दूंगा बहन चोट दूंगा। कहां पर? घर पे आपके? हाँ, मेरे घर पे। हाथ चोट दूंगा बहन चोट दो गाली देता हुआ आया, आती का मैंने चक्कू निकाला, चक्कू मारता हुआ चलाया डायरेक्ट सब लोग। तकरीबन कितने लोग थे? ये 6-7 लोग थे। क्या क्या नाम है इनके? विष्णु कुशवाहा, किशोर कुशवाहा और तीसरे भैया का नाम नहीं जानता। 3-4 लोगों का मैं नाम नहीं जानता, मेरे जान बचे नहीं थे वो। कुछ लोग अज्ञात में है, कहीं ना कहीं जान लेने की कोशिश की गई। 101%। कहाँ का मामला ये पूरा? सिंधी की हवेली नगलावती आगरा 37/3/91। कितने बजे घटना है ये? 5:30 बजे घटना है। तो जिस तरीके से आप यहाँ थाने पे खड़े हुए, अब क्या शिकायत कराने आए हैं, क्या है? सर, हम उसे बंद कराना चाहते हैं, जेल भिजवाना चाहते हैं। अपराधी को हिरासत में ले लिया है क्या? यस, अभी मेरे थोड़े कुछ टाइम पहले 6:30 न्यू आरा थाने के सामने मनोज ढाबा के सामने मेरे ऊपर उसने हमला बोला था, तब मैं उसे कंधे पे रख के बैठा के लाया था। अभी तब उसे मैंने अरेस्ट करा के अंदर बैठा। हाँ, मेरे साथ में मेरे हाथ में लग रही है, जेल लग रही है, ये लग रही है। प्रार्थी का मेडिकल करा लिया जिसे चाकू लगाए? अफकोर्स हो चुका मेडिकल, मेरे पास है, फोटो भी है मेरे पास। मुकदमा पंजीकृत हुआ कि नहीं हुआ? अभी हो गया।